हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के ईरान में हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव व्याप्त है। एयर इंडिया ने तनाव के मद्देनजर इसराइल के लिए उड़ान सेवाएं रोक दी है। विमानन कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि 8 अगस्त तक के लिए सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। इसराइल के हालात पर कंपनी की नजर है। कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति को देखते हुए हमने 8 अगस्त 2024 तक के लिए तेल अवीव से आने और जाने वाली अपनी सभी उड़ाने को निर्धारित संचालन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने जाने के लिए कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें पोस्टपोन और कैंसिल शुल्क पर एक बार की छूट शामिल है। एयर इंडिया ने कहा कि हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उल्लेखनीय है कि ईरान ने इसराइल को हमले की खुली चेतावनी देते हुए हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही थी।